मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का पेंच ओबीसी आरक्षण को लेकर भले ही फंसा है, लेकिन भाजपा ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव संचालन समिति की घोषणा की और कविता पाटीदार को समिति का संयोजक बनाया। पाटीदार ने दावा किया कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मजबूत है और पंच से लेकर जिला पंचायत जनपद तक सभी जगह काफी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से बने स्थिति का इन चुनावों पर कोई असर नहीं होगा। संयोजक के तौर पर किस तरीके से अब चुनाव होंगे पंचायत के, जो स्थितियां बन रही है उसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, इतने काम किए हैं, इतने विकास किए हैं, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। निश्चित त्रिस्तरीय पंचायत राज के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। हम ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मजबूत है और पंच से लेकर जिला पंचायत तक हमारे हर प्रत्याशी जीत कर आएंगे। किसान कानून वाला जो मुद्दा था, क्या आपको लगता है कि वो इन चुनावों में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रभावित होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में इतने काम किए हैं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बहुत खुश हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने राष्ट्र हित के लिए जो निर्णय लिए किए हैं, उनसे किसान भी बहुत खुश है। हम भावांतर की बात करें, बिना ब्याज के लोन की बात करें, ये सारे किसानों के हित में लिए गए निर्णय वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। बिल्कुल सही है। हम ओबीसी का एक तरफ हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये छल करते हुए बीच में, तो उनकी मानसिकता ही थी कि ये चुनाव टले, क्योंकि वो अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे कि उनको धरातल पर कोई भी बहुमत नहीं मिलने वाला, कोई भी मत नहीं मिलने वाला, इसलिए चुनाव टालने के कारण वो ये सारे उन्होंने पैतरे अपनाए। और कांग्रेस की नीति भी वही रही है, उन्होंने हमेशा पिछड़ा वर्गों के साथ अन्याय किया है और ये तो अब चरितार्थ भी हो गया है कि उनकी वजह से पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय उनको भारी महंगा पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, चूँकि मैं भी हूँ और पिछड़ा वर्ग के लोग अब कांग्रेस को इस चुनाव में ये साबित कर देंगे कि जो विरोध करेगा उसको हम जवाब देना भी जानते हैं। देखिए, ऐसे गलत निर्णय लेना वो बहुत गलत है, इस राष्ट्र के हित में नहीं है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक दर्जा देती हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वह कुटिल मानसिकता के कारण ऐसे निर्णय लेना, मुझे लगता है ये गलत है। और वो कांग्रेस कहीं पर भी जाए, सत्यता की हमेशा जीत होगी, चुनाव होंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की